Hello student. Okay, so last we have done with the question number 1 of the exercise 11.2, right? Okay, so on that one we have see that how to convert the unit of the measurement, right? So usme humne conversion dekha tha, alag alag examples dekhe se, and then after some of the question I have given to you the homework also. ओके, बेस्ड ऑन दैट जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है ऐसे कि हार्ड वाले हैं वो वापस में दूसरी बार करवा रहा हूँ, जो आपको होमवर्क में मैंने दिए थे. ओके, सो ऑफ दैट आई एम डूइंग यू डूइंग राइट नाउ क्वेश्चन नंबर आई एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1 आई. The question is like 185 meter that we have to convert it into the decameter and meter. Done? Okay, so that this is the question. 185 meter you have to convert into the decameter and meter. Then, okay. Okay, so first we have to first step of this kind of question that you have to identify that key which unit are there and which unit you have to convert. Second step for that conversion you have to multiply or divide. Then, so that thing, both thing, how can we identify by the this thing that kilometer, hectometer, decameter, meter. Then, so इसमें अभी आ गया है. Then, so आगे वाले यूनिट्स में नहीं लिख रहा हूँ. Then, so the basic unit is meter and I have over here it's the decameter which is the bigger than the meter. Then, so मुझे decameter sorry मैं मुझे meter में से decameter में convert करना है, right? I have to convert meter to decameter. So I have to divide it with the 10. Why I have to divide it? Because meter is the smaller unit and decameter is the bigger unit, and as per our things we have to go to the left side. On the left side jana hai, so we have to divide it. Done? Okay, first I am doing the regular method and then after our division method. Done? Okay, so as per that we isse hame ye pata chal jata hai that 1 meter, sorry, is equals to 1 decameter. So if I have a 185 meter, then what? Then okay, so as per that so agar iska hum expanded form likhe, so we can convert ye hame sirf jo यूनिट वाला है उसको हम सिर्फ रिपीट रखना है, बाकी जो टेंस वाला है और जो हंड्रेड वाला है उसको हमें कंबाइंड में लिखना है, बिकॉज यहाँ पर यूनिट हमें टेंस वाला है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेकामीटर में. देन तो टेंस वाला जो है, टेंस के बाद वाला, देन उसको हमें सेपरेट लिखना रहेगा. देन सो दैट मीन्स 180 मीटर वी कैन राइट ओवर हियर एंड द 5 मीटर एज अ एक्स्ट्रा. देन बिकॉज उसको अगर मीन्स ऐड करेंगे तो इट इज कंपैरेटिवली दैट आंसर ओनली, राइट? सी यहाँ पे मैंने पहले जैसे क्यों नहीं लिखा दैट 100 मीटर एंड 85 मीटर, बिहाइंड द रीजन इज कि यहाँ पे मुझे 100 के फॉर्म में नहीं चाहिए वो, यहाँ के मुझे किसके फॉर्म में चाहिए, 10 मीटर है तो वो मुझे उस वाले फॉर्म में चाहिए, तो वह इट्स 180 मीटर, सो आई कैन पुट इट लाइक फ्रॉम दिस वन एज अ 18 डेकामीटर. सो दैट मीन्स एक जीरो है उसके आगे वाला का, मीन्स डायरेक्टली हम डेकामीटर पुट कर सकते हैं. सो ओवर हियर इट कंपेरिजन करेंगे, सो 10 भी इफ यू अगर हम यहाँ से एक जीरो अगर निकाल देंगे तो जो बाकी का रिमेनिंग बचेगा वो दैट इज द डेकामीटर, राइट? एंड द 5 मीटर इज एज इट इज द आंसर. सो द आंसर इज 18
डेकामीटर एंड द फाइव मीटर डन। ओके सी दूसरी बार मैं ये करवा रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दैट दैट व्हाई आई हैव पुट ओवर हियर 180 मीटर एंड 5 मीटर डन। इन दोनों को मैंने इस तरह से सेपरेटली रखा। इनिशियली हम क्या करते थे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर आपने देखा होगा तो 100 मीटर एंड 85 मीटर लिखते थे, इसमें मैंने उस तरह से क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आई वॉन्ट जीरो एट द एंड, I want zero at the end. And why I want one zero? Because यहाँ पे मुझे एक ही zero है। अगर यहाँ पे दो zero होता, तो मैं उसको उस तरह से expand करता कि जिससे मुझे यहाँ पे दो zero मेरे end में। Then यहाँ पे मेरे पास इस ऊपर वाले जो conversation है, उसमें मैं उसमें सिर्फ एक ही zero है। That means मुझे यहाँ पे सिर्फ end में एक ही zero चाहिए। Then अगर यहाँ पे दो zero होता, that means अगर 100 होता, तो मैं इसको उस तरह से expand करता, जिसकी वजह से एंड में मुझे दो जीरो मिले, दैट मीन्स 100 प्लस 85 डन। बट यहाँ पे एक ही जीरो है, इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो चाहिए, बाकी का एज इट इज मुझे रखना है डन। सो बाकी का जो आएगा वो एज इट इज रहेगा, एक जीरो है इसलिए वो एक ही जीरो मुझे निकालना है, तो वो एक जीरो निकाल लूंगा, तो डायरेक्टली आंसर क्या मिल जाएगा 18 डेकामीटर एंड द रिमेनिंग वन इज द मीटर एज इट इज डन। ओके सो दैट्स हाउ we can do with the regular method, and as for the division method, for the division method 185 divided by, we have to divide it with the 10 as we have discussed earlier also done. So 185 divided by 10, so 10 ones are 10, 10 twos are 20 ho jata, to wo chalta nahi hai. 18 8 0 5 को नीचे होता, so it would be like 85 now, 10 8s are 80, right? So it would be 5 is remain, now it cannot be done further now, then so the 5 is the remainder and the 18 is the quotient, same as our answer, then. So either of any method you got the same answer only, then. So this is somewhat difficult, so I have to add this one, okay? Okay, remaining are the easiest one, so that I guess you didn't have any kind of doubts on that one. If still you have a doubt, then you can call me, or you can on the online session it will be solved. Okay, now we are going to the next question, question number second. These are the word problems are there, done. Okay, so before the doing this kind of question, I want to tell you one thing, which is that before you are solving the word problems, try to read it at least 2 to 3 times, done. Because in the word problems there are some minor details are there that you have to read it, otherwise उसमें आपको जो mistakes उसकी chances रहते हैं, done. So word problems जो है वो आपको at least 3 times तो आपको पहले read ही करने हैं, done. Then after आपको उसको evaluation करना है कि आप वो कैसे solve करोगे. It's just a planning, done. Planning आपको करनी है कि वो आप solve कैसे करोगे. That means this is my first step, this is the second one, this is the last one. That's how you have to plan. And after doing it, after at the end, you have to verify that whether this answer is right or not. Then after you have done with the answer, that after at last, aapko sirf ek check karna hai that this answer is right or not. Then, so that's how we will do the word problems. Okay, so second one, a plane is flying at a height of 285 meter above the ground. Express the height of the plane above the ground in the kilometer and meter. Okay, so I'm reading it again. A plane is flying at a height of 2485 meter above the ground. So for example, I am drawing the simple figure for this one. If this is the ground
So the plane is flying over here right now. Let's do the roughly figure of this one. Okay, so this is the plane. I'm just doing the roughly figure of it, right? Okay, so this is flying at the height. Height is given as a 2485 meter. Then, so like that, the plane is flying from the ground height. Next, the question they asked is express the height of the plane above the ground in kilometer and meter. So यहाँ पर ये जो height question उस तरह से पूछा है कि ये वाली जो height है वो आपको express करनी है किस में, किलोमीटर और मीटर में express करनी है. So these are the given datas and the question they asked is height we have to express in terms of kilometer and meter. Then understood? So this is the question. Yeah, आपका question रहेगा. Then okay, now for the solution. So we have the height as a height in the sense is the difference between the ground and plane. Yeah? It's a straight height we call it. It's a 2485 meter. Yeah? And that we have to express into the kilometer and meter. Okay, now this sounds like a regular question that we have already done in the question number one. क्वेश्चन वन में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए ना, अभी ये उस तरह से कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू. देन उसको सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन दैट की 2485 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर एंड हाउ मच मीटर. देन सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू कन्वर्ट द word problems into the simple mathematical form. Understood? Okay. Now we have a two method. So let's start with the first one. 1000 meter is equals to 1 kilometer. That the first one that we know about it, that 1000 meter is equals to 1 kilometer, and we have a 2805 meter. Okay, now as I said, told you in the earlier question, वो मैंने आपको इसलिए इसी question के लिए बताया था कि इसमें मैं अभी अलग अलग मैं क्यों मैं expand किस तरह से करूँगा वो आप देखना. See this one at the end there are 30, right? इसमें मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसमें एंड में यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है. तो मुझे ये वाला जो नंबर है उसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है कि मुझे एंड में 3 जीरो मिले. डन. सो आई कैन एक्सप्रेस एक्सपांड लाइक दैट 2000, राइट, 458 एज इट इज. सो इट इज 485 मीटर एज इट इज एंड 2000 मीटर. 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, राइट. सो 2 किलोमीटर 485 मीटर. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. 2 किलोमीटर एंड 485 मीटर. देन एंड एट द एंड एज दिस वन इज द वर्ड प्रॉब्लम सो वी हैव टू राइट द आंसर इन द वर्ड फ्रॉम ऑल्सो एट लास्ट. सो दैट यू कैन राइट लाइक दैट the height, the height of the plane above the ground is, so the height of the plane above the ground is, it is 2 kilometer and 485 meter. Then so that's how you have to write the answer at the last. Then
एज दिस वन इज द वर्ड प्रॉब्लम, तो लास्ट में हमें जो आंसर वो लिखना रहेगा वो वर्ड प्रॉब्लम में हमें मीन्स वर्ड के सेंटेंस फॉर्म में लिखना रहेगा. डन. ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. See the remember the steps that we have done over here. Then first you have to read the question 2 to 3 times. Then after do the planning that how you will perform it. Then after convert that into the mathematical form. Then after solve it and then after write the answer. Then okay. Next. Okay, let's do the question number 3rd one. Question number 3. Please again, the word problems are there only. Last one you have to do in the homework. The weight of the bag of onion is 1 kg and 500 gram. Express the weight of the bag of onion in grams. Then, this is as like the question is given in the second one only. Express, we only have to do. बट ओवर हियर इट इज गिवन द वेट. यहाँ पे क्या दिया है, वेट दिया है. द वेट द ओनियन बैग वेट इज 1 kg एंड 500 ग्राम. सो दिस आर इंक्लूडेड इन द गिवन डेटा. देन कि हमें क्वेश्चन में से क्या दिया है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट. क्वेश्चन में से हमें दिया है बैग का वेट. So the bag weight is equals to what? 1 kg and 500 gram, right? So this is the given as a bag weight. And what we have to find? वो भी याद रखना है कि आपको find क्या करना है. That is given at the last, that express the weight of the bag of the onion in the grams. Then, so the bag weight we have to find in just gram is equals to what? Then so bag weight is given in the kg and the gram and the bag weight in just gram. Then so now we know the order of that one. You can write it simply. See, this is not a compulsory that you have to write the order of the units. Then but it is as agar aap ek baar likh lo then you didn't have any kind of doubts related that one. Kilogram, hectogram, decagram and gram, that's it. Yahan tak hi likhna hai because isi mein itne mein hi aap dono units aa jayenge. If it is given in the deci then you have to go to further. Then so right now you have given the question about the kilogram and you have to convert it into the ग्राम. सो आपको बड़े में से छोटे यूनिट में जाना है. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई. हाउ मच यू हैव टू मल्टीप्लाई? 3 मींस 1000. और वी नो अबाउट वन थिंग आल्सो, दिस इज फॉर द सेकंड मेथड. इफ यू वांट टू 4 और देन दिस इज फॉर द सेकंड मेथड. हमारी जो रेगुलर मेथड है दैट वी कैन डू राइट लाइक दैट दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 gram and over here it is given 1 kg only. Then so 1 kg we can write like the 1000 gram and just we have to add that after 500 grams. Then so it will be 005 and 1. So it is 1500 gram, or you can write like a 1500 gram. So that's how it is converted. Then and one more things you can do in this one also, that based on that one you can multiply it like that. That over here if it is given at a 1 kg, then agar aapko ye yaad nahi hai to, agar aapko ye wali cheez yaad nahi hai that how 1 kg is equals to 1000 gram, then you have to follow this method. Then this is the exception. अगर आपको ये वाली चीज याद नहीं है दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आपको ये वाली चीज याद रहनी चाहिए. देन दिस इज द और क्वेश्चन मिस. ये दिस इज द फर्स्ट मेथड, मेथड 1, एंड दिस वन इज द
and third two. So first you have to write this one, then after this one. Okay. So 1 kg. So as per that we can we know that one thing that to from kg to gram we have to multiply it with the 1000, right? So if it is a 1 kg, then we have to multiply 1 with the 1000. So it is equals to 1000 gram. See यहाँ पर 1 लिखा है 1 kg, इसलिए आपको ये दोनों मेथड सेम लग रही हो सकती है, बट बोथ आर डिफरेंस. नाउ सिंपली ऐड द 1000 ग्राम इनटू द रिमेनिंग ग्राम व्हिच इज 500 ग्राम. सो इट इज 1500 ग्राम, राइट? एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट द आंसर. आई एम राइटिंग नाउ अपसाइड ओवर हियर. Okay, so the answer is the weight of the bag is 1500 grams. Then this is the answer. This one is the answer. First you can write this one, method one. Then after write this one, then after this method two. And this one there you have to write kg to gram, you have to multiply with the 1000. So 1 kg is, that means 1 multiplied by 1000. So 1000 gram, 1000 plus 500, 1500 kg. The answer is weight of the bag is 1500 gram. Okay. Okay, so that's it for today. Today we have learned about how to solve the word problems. Like I am just reminding the steps of it. First you have to read the question. First you have to read the word problems 2 to 3 times at least, jab tak aapko samajh mein na aa jaye ki wo kya diya hai. Then after converted that word problems into the mathematical form, then usko convert kar do mathematical form mein jaise maine yahan par kiya hai. Then after do it, and then after write the answer as a word sentence form. Then so that's how you can do it. Some of them I have done the two methods, and some of them I have done just one with one method. Then so in the simply one I can tell you that कि अगर आपको ये अगर जो method one है उसमें क्या है कि जो सारे general forms दिए हैं. तो अगर जनरल फॉर्म में अगर आपको ये सब फॉर्म्स याद है, दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, सो अगर आपको ये सब याद है तो आपको वो कन्वर्जन मेथड इस मेथड वाला करने की जरूरत नहीं रहेगी. बट वो सारे के सारे फॉर्म्स आपको प्रॉपरली याद रहने चाहिए, राइट? अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको ये वाली सेकेंड मेथड करनी पड़ेगी. देन सो आई सजेस्ट यू राइट द बोथ ऑफ देम एंड यू रिमेंबर द बोथ ऑफ देम. Then, because अगर एक ये वाली मेथड आप भूल जाओ, then second method is always helpful. Understood? Okay, so that's it for today. In the homework, today there is one short homework only. You have to just do the question number 4. That's it for today. And okay, that's it for today. Nothing more in the homework. You just have to complete the exercise 10.2. more than half of them question I have already done, and you just have to do the question number 4 only, then which is word problems. Do it like that only. Okay, that's it. Bye.